आज राजधानी पटना में राज नर्सिंग एवं पारा मेडिकल संस्थान मीठापुर स्थित सत्र 2019-22 का फेयरवेल का आयोजन पटना के आईएमए हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर कृष्ण कुमार सिविल सर्जन, पूर्व जिला न्यायाधीश सुभाष चंद्र चौरसिया, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी एवं डॉक्टर सुधा प्रियदर्शी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज नर्सिंग ट्रेनिंग एवं पारा मेडिकल संस्थान के डायरेक्टर ने कहा कि किताबी ज्ञान एक अहम चीज है, परंतु उसका अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में यह मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, जिसमें हम पहल सेवा करते हैं, उसके बाद स्वाभाविक मूल्य लेते हैं। चिकित्सा से बड़ा कोई सेमिनार नहीं है। वहीं इस दौरान नर्सिंग एवं पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम और आज बच्चे सब बहुत खुश हैं। उनके विदाई समारोह में आज लोग हम लोग और जाने का भी दुख है और बहुत अच्छा है कि हम लोग विदाई अच्छे से करें और बहुत नाम रोशन करें। बच्चे जो जहाँ जाए इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ाई तो हम लोग बहुत अच्छे से ही करवाए हैं। टॉप 10 में नाम आता ही है और सारे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा यहाँ नंबर उठता है बच्चों क्योंकि पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। और आज खुशी का दिन है कि सारे पाँच फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। आज और हर्ष की बात करें कि आज हमारा संस्थान का जो बच्चे थे पढ़ाई कर रहे थे, जीएनएम का जो एक ग्रेड का नर्स होता है उसकी पढ़ाई कर रहे थे और वो थर्ड ईयर पास कर रहे थे, थर्ड ईयर की परीक्षा दे चुके हैं। अब वो ये जो पढ़ने लिखने की बातों से अब वो कर्मभूमि में जाएंगे, कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तो उसी के लिए आज हम लोग विदाई समारोह फेयरवेल बताए के लिए। यह जब कोई पेड़ लगाता है तो उसका फल देने का समय आता है तो हम लोग जितने आनंदित होते हैं, उसी तरह से आज हम भी आनंदित हैं कि जिस बीज को हमने रोपा किया था जीएम की नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दिए थे, इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, उसका आज फल मिल रहा है। अब ये बच्चियाँ सब कुछ दिन के बाद कर्म क्षेत्र में जाएगी, विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में जाएगी, मल्टी नेशनल हॉस्पिटल में जाएगी, मल्टी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएगी या अब्रॉड भी जा सकती है, उसकी जितनी छलांग जितनी उसकी इच्छा है वहाँ जा सकती है, लेकिन आज से वो कर्म भूमि में प्रवेश करेगी। तो इसके लिए आज बहुत ही खुशी का क्षण है कि आज वो लोग आज से वो कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और पढ़ाई लिखाई जो कि वो हम लोग को बहुत आह्लादित किया और उसका मार्क्स जो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि ये अपने जीवन में उच्चतम स्थायी स्थान प्राप्त करेगी और नर्सिंग के सेवा में तो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कीर्तिमान स्थापित करेगी। आगे का क्या और किन किन स्थानों पर आगे खोलने की प्लानिंग चल रही है? देखिए पारा मेडिकल संस्थान तो हमारा 2013 से चल रहा था, लेकिन नर्सिंग जो है 2019 की बैच है, पहली बैच है, तो उस हमने जो अब तक जो रिजल्ट दिया है वो बिहार सरकार के बहुत ही गौरवान्वित करने वाला रिजल्ट रहा है। आगे भी हमारे नर्सिंग के क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करेगी और टॉप 10 में हमेशा जगह बना करके रहते हैं। कितने बच्चों का फेयरवेल पार्टी आज हो रहा है? आज 69 का स्ट्रेंथ था, एक बच्ची किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाई थी जिसके कारण 59 बच्चे पास हो गए। परिचय दे दे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी निदेशक श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग में पारा मेडिकल मैडम से मैम से कैसा लग रहा है? यहाँ फेयरवेल पार्टी है, एक एक तरफ खुशी का भी माहौल है, एक तरफ गम का माहौल है कि पुराने साथी आज बिछड़ने वाले। बिल्कुल गम के तो माहौल है, जाना तो है, जो आया उसको जाना। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। हम लोग पूरा एक्साइटेड है, हम लोग अभी ग्रुपिंग डांस करने वाले हैं। कौन से सेशन का ये किया जा रहा है? ये है सुपर सीनियर वाले का है, 2019 वाले बैच का।
तो क्या लगता है आज पुरानी सहेलियां आप लोगों से दूर होंगी फेयरवेल के? हम गाइस ऊपर से नहीं डरी है।